नमस्ते, आज हम टॉक टू डिकोडर में अटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड नाम की फिल्म के बारे में बात करेंगे। यह 2004 में प्रकाशित हुई एक रोमांटिक साइंस फिक्शन मूवी है जिसका निर्देशन मिशेल गोंड्री ने किया है और इस मूवी में जिम कैरी और केट विंसलेट मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि जोल और क्लेमेंटीन एक दूसरे से माइल हैं और ग्रेजुअली दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद जोल एक कंपनी से पता चलता है कि क्लेमेंटीन ने एक मेमोरी अरेजिंग प्रोसीजर करवाया है जिसके थ्रू उसके सारे मेमोरीज उन्हें याद नहीं रहते हैं। जोल भी यह प्रोसीजर करवाने के लिए डिसाइड करता है। इस प्रोसीजर के दौरान जोल के दिमाग में क्लेमेंटीन के सारे मेमोरीज को अरेज किया जाता है, लेकिन इस प्रोसीजर के दौरान जोल रियलाइज करता है कि वो क्लेमेंटीन से सैक में प्यार करता है और उससे याद रखना चाहता है। इस मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग फ्लैशबैक्स होते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि जोल और क्लेमेंटीन के बीच में क्या क्या इंटरैक्शंस और मोमेंट्स होते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स थी और क्यों दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इस मूवी के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स भी होते हैं जिनके बाद जोल डिसाइड करता है कि वो अपने मेमोरीज को डिलीट नहीं करवाना चाहता है और उससे क्लेमेंटीन से फिर से मिलना है। अटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड के बारे में इतना ही नहीं, इस मूवी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग थीम्स और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जैसे मेमोरीज, लव, रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी। इस मूवी के परफॉर्मेंसेस भी काफी इम्प्रेसिव हैं, जिसमें जिम कैरी और केट विंसलेट ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। तो यह था अटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड की पूरी स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।